corruption. Infrastructure. Health. Gender. Environment. Development. Conflict. Caste. Art and culture. Education. Corruption. Development. Health. Infrastructure. Education. Conflict. Environment. Art. Development. Corruption. नरेगा के कार्यों सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विधवा वृद्धा पेंशन, आवास आदि योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसके कारण ना तो काम मिल रहा है और जहां काम मिल रहा है वहां पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों के जॉब कार्ड तो बने हैं, अगर उसमें काम मिल जाता है तो लोगों की हाजिरी चढ़ाई जाती है, हाजिरी चढ़ जाती है तो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आपका जॉब कार्ड बना है जी? कितने दिन हो गया बने हुए? ये बने हो गए दूसरा साल है। इस साल कितना काम किया आपने? एक को काम नहीं। आप नरेगा में काम किया, पैसा नहीं पाए, हम दोनों आदमी नहीं पाए हैं, 400-400 रुपए। जॉब कार्ड बना आपका? हाँ हाँ बना है। उसमें काम मिला? नहीं, काम नहीं। आपने काम किया है? हाँ। लेकिन पैसा नहीं मिला? नहीं, ना हाजिरी भरने है, भर लिया है, कहा था पैसा नहीं आना है, पैसा आएगा तब दिया, घोष मांगते हैं। आपको काम मिला इस बार? 5 दिन काम किए हैं। कितने दिन का मिलना चाहिए? अब जितने दिन काम करत हैं भैया, हम तो नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम काम कितना दिन को मिलना चाहिए? तो सब दिन मिलना चाहिए ना? दिन मिलना चाहिए। तो आपने किसी से शिकायत की? शिकायत भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, जब कोई सुनाई नहीं हो रहा तो क्या करें? इन गांवों में नरेगा के तहत काम करवाए गए पर बहुत से मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भुगतान के नाम पर ग्राम प्रधान ठेंगा दिखा देते हैं। उन लोगों का आरोप है वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन आप हाजिरी नहीं लगा रहे। जौन की है तो लगा हाजिरी, पैसा मिला भाई। कह रहे काम किया पैसा नहीं मिला, थोड़ा बहुत पीछे खोई, बाकी नहीं, कुछ नहीं बाकी है। नहीं, गलत आरोप गलत है, पैसा सबको मिला है। 300? तो ये लोग जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं। और क्या झूठ बोलते हैं? जो काम कराए भी हैं उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे पैसा नहीं आया, कहाँ पाए दे पैसा? उसमें हाजिरी लगी है? हाजिरी लगाओ बन जाए बन, हाजिरी कहाँ तन कब लगाओ, जब भूत दे बता। 5 दिन के काम का पैसा मिला नहीं? कहते हैं जो करना हो जाओ करो, हम पैसा नहीं देंगे। गरीब आदमी क्या खाए, कम से कम 40-50 लोग के पैसा बाकी है, हम लोग इसे लड़ाई लड़ रहे हैं। सराय शंकर में जो गदर का नेतृत्व आया है, यह नेतृत्व आपके साथ, आपकी जुबान। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सराय शंकर गांव में 22 गांव के लोग इकट्ठा हुए, रोजी रोटी बचाओ मोर्चा के तहत कि आगे कैसे नरेगा सहित तमाम समस्याओं का सामना किया जाए। इस सभा में ज़्यादातर लोग गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही शामिल हुए। शिक्षा, दवा, नौकरी के नाम पर अफसर और दलालों का लूट खसोट बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं, गरीब जनता का सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। मैं अजीत बहादुर सराय शंकर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।